लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि आप ना कुछ चीज़ प्लान कर रहे होते हो, कोई चीज़ लेने का या फिर कोई काम करने का जो है प्लान कर रहे होते हो, बट ना कई बार लाइफ का ना प्लान कुछ और ही होता है। मैंने आज से ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले जो है बाइक पे टूरिंग करने का प्लान किया था, स्टार्ट किया था, एंड तब मेरा प्लान था लेने का एडवेंचर टूरिंग बाइक। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो जानते हैं कि मेरी जो लाइक चॉइस ऑफ लिस्ट थी बाइक्स की, जो मैं चूज़ कर रहा था कि मुझे बाइक लेनी है, एक बाइक लेनी है, जिस लिस्ट में से मैं बाइक सेलेक्ट कर रहा था उसमें एक KTM एडवेंचर भी थी और BMW GS 310 भी थी, और फाइनली मैंने जो है होंडा हाइनेस ली थी। उस टाइम ना होंडा हाइनेस लेने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे लगा यार KTM 390 एडवेंचर जो है प्रॉपर टूरिंग बाइक है, बट वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक है, तो मुझे उस टाइम ये लगा था कि ना इतनी पावरफुल बाइक मैं भी हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कितनी टूरिंग करूंगा नहीं करूंगा, और उस टाइम मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। एंड somehow मुझे होंडा हाइनेस अच्छी लगी थी ड्यू टू रिफाइंड इंजन, तो मैंने होंडा हाइनेस परचेज कर ली। उस दिन के ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद, आई थिंक मोर देन 2.5 ईयर्स हो गए हैं, फाइनली अपनी आज पहली एडवेंचर टूरिंग बाइक आ रही है। तो मैंने अपनी होंडा हाइनेस पे जो है 2.5 ईयर्स जो है टूरिंग करी है। 2.5 ईयर्स तक मैंने कोई बाइक चेंज नहीं करी, ऑल दो मैं सोचता रहा, और इस साल ऐसा कमाल हुआ है कि मैंने एक साल जो है एक साल में 3 बाइक्स ले ली हैं। पहले स्पीड परचेज करी, देन स्क्रैम्बलर परचेज की, और फाइनली एडवेंचर टूरिंग बाइक जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी वो ले रहा हूँ। तो यार इसलिए ना मुझे ना ये चीज़ स्ट्रांगली लगती है कि एफर्ट्स मारना, प्लान करना वो हमारे हाथ में है, पर ना चीज़ें होंगी कैसे, कब होंगी, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हाय गाइस, अ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फाइनली आज अपनी हिमालयन 450 पहली एडवेंचर टूरिंग बाइक मेरी, उसकी डिलीवरी है, एंड एक्साइटमेंट ज़्यादा है, थोड़ा मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ क्योंकि यार इस मोमेंट का जो है मैंने बहुत टाइम से वेट किया है, नो डाउट। ऑल दो अपनी स्क्रैम्बलर और स्पीड जो है वो भी खड़ी हुई है, तो अब फटाफट से चलते हैं आर्य के शोरूम और आपको दिखाता हूँ हिमालयन 450। अतुल भाई क्या हाल है? ऑल गुड। हाँ, हिमालयन 450 तीसरी बाइक की। तो लो जी, मैं फाइनली आ गया हूँ होंडा CB 300R पे। बहुत ही अमेजिंग बाइक है यार, बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक है ये सिटी के लिए, और माइलेज भी इस बाइक की बढ़िया है, ठीक 40 आ जाती है। हाँ तो भाई 40 आती है ना माइलेज? माइलेज 40 आती है इसकी? 46। इसका जो वेट है वो है 146 kg के आसपास, और ये निकालती है माइलेज सिटी में 40 km/L की, और हाईवे पे 45, 46 और मे बी 50 भी निकाल देती है। धमाल बाइक है सिटी के लिए, मतलब आपको सिटी राइड करनी है ना तो बहुत ही सही बाइक है, और तो उसके रेट भी कम हो गए हैं। अगर आप लोग चाहते हो इसका रिव्यू बनाऊं तो बताना मुझे। अपने अतुल भाई की बाइक है, लास्ट 1 साल से ये चला रहे हैं बाइक को, इन्होंने तो महंगी ली थी। अब रेट जो है कम हो गया है, अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है बाइक को देखने का, ना मन कर रहा है एकदम कि बस एकदम सामने बाइक प्रकट हो जाए बस। ये खड़ी अपनी हिमालयन 450, क्या बात है यार, ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। हाँ जी चावला जी, क्या हो? बाइक के सामने और क्या, अपनी बाइक के सामने खड़ा हूँ मैं। एक चीज़ बहुत सही है कि पैकिंग प्रॉपरली हो रखी है इसकी, देखो अच्छी लग रही है भाई। हाँ मतलब पैकिंग के सामने खोलेंगे अपने, और लास्ट टाइम जो देखी थी ना तो यहाँ पर भी वो थे, ये जो है ना थर्माकोल, ये सामने थे यहाँ पर इधर, तो आई थिंक उन्होंने अभी निकाले हैं ये। वाह यार, मतलब मुझे ना अभी मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक, ये जो येलो गोल्डन कलर है ना, ये येलो गोल्डन टाइप कलर है, और ये जो है आपका प्रॉपर गोल्डन है। एंड आई एम सरप्राइज कि ना ये जो गोल्डन रिम्स है ना, ये इसकी क्वालिटी अगर अच्छी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये है आपका हाले ब्लैक कलर, और ये आपका हो गया काजा ब्राउन, ये आपका टॉप मोस्ट मॉडल सबसे महंगा, और ये आपका इकोनॉमिकल। यार एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आज जो है ना एक हिमालयन 450 की डिलीवरी नहीं है, दो की है। दूसरी किसकी है? चावला जी की। मुबारक आपकी। ब्लैक ही है, कोई और है? कॉपी कर लिया आपने मुझे, एडवांस कॉपी कर लिया आपने। तो लो जी फाइनली पूरा गैंग आ गया है, अतुल तो आ ही गया था पहले, मयंक भाई भी आ गया है लेट, लतीफ नहीं 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 ये बताओ कि कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से? गुड़गांव से आया, मुंबई से नहीं आया। ये है शिशिर भाई, हमारे नए मित्र, ये भी आ गए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऋषि सर, थैंक यू सर। चावला जी, इनको थैंक यू नहीं बोला, सेम टू यू, इनको बोलना कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू। ये बाइक लेके आया मालूम आपको? कौन सी? ये वाली।
नहीं 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 ब्लॉग में मैं एडिटिंग कर दूंगा ना सारी, कोई बात नहीं करते रहो, ब्लॉग में बोलूंगा पहले मेरी आई है बाद में इनकी आई है। पहले मनीष भैया की फाइल बनी है और ये फाइल दो दिन पहले की इनको मोटरसाइकिल एलोकेट गई गई 10,000 पहले बनी है ना, पहले डिलीवरी उसी की है, कोई बात नहीं। अरे वाह ये देखो चावला जी हिमालयन वाले। चले जी चावला जी, दो हिमालयन 450 मतलब हिमालयन 900 हो गई है ये, हिमालयन 900 की डिलीवरी ली हमने। अच्छा हाँ, अरे भैया बहुत भारी है। इस पे जो व्यू आ रहा है ना कॉकपिट का वो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। तो फाइनली डे जो है चेंज हो चुका है, मैंने जो अपनी बाइक की डिलीवरी कर ली थी बट ब्लॉग सेम ही चल रहा है। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अपनी जो नंबर प्लेट है ना वो आ गई है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ चुकी है। अपनी बाइक पे जो है नंबर प्लेट लगवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको बाइक दोबारा से, एंड देन मैं आपसे शेयर करूंगा कि बाइक के साथ में मुझे क्या क्या मिला है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आरी के शोरूम में मुझे एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी, ये देखो ये बाइक्स खड़ी हैं और बाइक से जस्ट सामने मिरर है। यहाँ पर भी देखो बाइक खड़ी है, इसके जस्ट सामने मिरर है, मतलब कोई भी अगर कस्टमर आता है बाइक पर बैठो और ख़ुद को देखो ये कैसे लग रहे हो। ये ना बहुत ही सही तरीका है, मतलब कि जिस बंदे को बाइक ना भी लेनी हो ना वो भी ले ले बाइक। तो लो जी फाइनली फ्रंट की लगी है नंबर प्लेट अपनी और ये है रियर की नंबर प्लेट लग गई है। चलो जी बाय बाय टू लांबा, फाइनली चलते हैं अपनी अपनी हिमालयन 450 की पहली राइड पे। यार एक चीज ना मुझे बहुत सही लग रही है इसमें, जो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो सामने का कॉकपिट का व्यू है ना इसका, ये बहुत सही लग रहा है। मतलब मैं फिजिकली देख रहा हूँ ना तो मज़ा आ रहा है देख के, एंड कैमरा में तो मतलब वीडियो में तो और अच्छा आएगा, बढ़िया फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा आरपीएम तक भगाएंगे नहीं इसको, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 4-5,000 आरपीएम तक रखें फर्स्ट सर्विस तक, जो कि है इसकी 500 किलोमीटर पर। ये चीज़ अच्छी है यार, 500 किलोमीटर में सर्विस कराओ छुट्टी, उसके बाद जैसे मर्जी भगाओ। 1,000 किलोमीटर ना एक्चुअली हो नहीं पाता, मतलब 1,000 किलोमीटर ज़्यादा टाइम है लंबा आई फील, क्योंकि मैंने जो अपनी स्क्रैम्बलर स्पीड जो है ना इनिशियल 200-300 किलोमीटर तक जो है उसको मैंने बहुत तमीज से चलाया था, बहुत भगाई नहीं थी मैंने। आई थिंक लेस देन 6,000 आरपीएम तो रखा था मैंने इसको, उसके बाद मैंने थोड़ा उसको थ्रॉटल ना देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके बाद ना स्टार्टिंग में 200-300 किलोमीटर के बाद में आई थिंक यू कैन पुश योर बाइक टू अ सर्टेन लिमिट। टाइम हो गया 7:17 और मुझे ना अभी तक इस कंसोल के इसके जो फीचर्स हैं इसको कैसे ऑपरेट करना मुझे कुछ भी नहीं पता, ना ही मैंने पूछा है। धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे बता देंगे आपको, क्योंकि कोई बता देगा ना मुझे अभी, मतलब ये कंसोल के बारे में मीटर के बारे में मुझे फीचर्स बताता ना कोई तो माइंड में भूल जाता, जब मैं खुद उसको ऑपरेट करूँगा ना सीखूँगा तब मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा होता है। हवाई जहाज ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के अंदर हवाई जहाज आ गया, देखते हैं भाई एक बार में लगता नहीं लगता स्टैंड। लग गया, ये है इसका की का सिस्टम नीचे, इसको ओपन करते हैं, ये सीट ओपन होगी इसकी, ओके ये इजीली ओपन होगी बस। एंड मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या है, फर्स्ट चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है आई नीड टू शेयर विद यू, ये है फ्यूज़ और ये है लो बीम का हो गया, लाइट का हो गया, आपका मीटर कंसोल का हो गया, सब के फ्यूज़ हैं और इसमें ये स्पेयर फ्यूज़ भी हैं, इनकेस आपका जो है फ्यूज़ उड़ जाता है तो साथ में स्पेयर फ्यूज़ भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पता होना चाहिए आपको। ये फ्रंट सीट के नीचे है एंड ईजी है लगाना काफ़ी, ये बैटरी हो गई आपकी, ये रिलेज हो गया आपके, और जो पिलियन सीट है
उसके नीचे ये देखो, ये है टूल किट। इसमें जो है बेसिक टूल है, इसमें कौन से टूल है मैं खोलूंगा नहीं अभी, आई एम जस्ट शोइंग। उसके बाद में अपने इसको जस्ट ऐसे वेरी इजी। फाइनली अपनी बाइक हिमालयन 450 आ चुकी है। एंड ना आज प्लान था मेरी बाइक आने का, प्लस विनय की बाइक भी आनी थी, बट ना विनय ने डिसाइड किया लास्ट मोमेंट पे कि वो बाइक इस साल नहीं लेगा, 2023 में नहीं लेगा, वो लेगा नेक्स्ट ईयर 2024 में नई बाइक लेगा। तो उसकी बाइक तो आ नहीं पाई, लेकिन चावला जी ने बाइक अपनी ले ली है। चावला जी की बाइक की जो बुकिंग थी वो थी, आई थिंक नॉर्थ दिल्ली में कोई डीलर है वहाँ पर बुकिंग थी, तो उनकी बाइक भी जो है बाई चांस जो है उनको कल मिल गई, और अपनी बाइक भी जो है हमें कल मिल गई। अब ये जो व्लॉग है ना, ये आज मैं ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना अपनी बाइक की जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो पेंडिंग थी, अब वो आ गई है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं कहीं भी निकल सकता हूँ बाइक पे। अब बात करते हैं कि इस बाइक का टोटल ऑन रोड प्राइस जो है मुझे दिल्ली में कितना पड़ा, 335,245। इसका ऑलरेडी मैं ब्रेकअप से शेयर कर चुका हूँ लास्ट ब्लॉग में, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 284,000, एंड जो इंश्योरेंस है 5 ईयर्स की वो है 23,500 के आसपास, एंड जो आपके RTO चार्जेस हैं वो है 23,200 के आसपास के हैं। तो एग्जैक्ट जो है मैं आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर कर चुका हूँ, देख सकते हो। एंड इसके अलावा ना मैंने इसमें जो है 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ली है, बाय डिफॉल्ट जो है इसमें आपको मिलती है 3 साल की वारंटी, मैंने ली है 3+2, टोटल हो गया 5 ईयर्स का। तो टोटल आप ऐड करोगे ना तो ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस बाइक के साथ में आपको मिलता क्या क्या है। पहली चीज़ जो मिलती है वो है आपको 2 लीटर फ्यूल, यस मतलब बाइक में जो है 2 लीटर फ्यूल डालते हैं ये, प्लस उसके साथ में आपको मिलती हैं 2 कीज, और साथ में ये जो है 2 की रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है एक हेलमेट, हेलमेट ना यार मैं लेना भूल गया, मुझे आज हेलमेट पिक करना था, मैं पिक करना भूल गया। नेक्स्ट मिलती है आपको साथ में टूल किट, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ बाहर, और इस बाइक के साथ में आपको मिलती हैं 4 फ्री सर्विस प्लस 1 साल का RSA रोड साइड असिस्टेंस, और एक और चीज़ मिली है साथ में वो है RE क्विक स्टार्ट गाइड। इसमें मेंशन है कि आपकी जो सर्विस है ना, आपकी 4 सर्विस, फर्स्ट 4 सर्विस जो है फ्री है। फर्स्ट सर्विस आपकी होगी 500 किलोमीटर और 45 डेज, सेकंड फ्री सर्विस होगी आपकी 5000 किलोमीटर और 6 मंथ, देन आपकी सब्सिक्वेंटली जो सर्विस होंगी आपकी एवरी 5000 किलोमीटर और 6 मंथ, मतलब फिर 12 मंथ पे, देन आपकी 18 मंथ में ऐसे सर्विस होंगी आपकी। तो ये आपकी 4 फ्री सर्विस है। एक और चीज़, इस बाइक का जो पोल्यूशन है ना वो 3 मंथ तक वैलिड है, मतलब आपको 3 मंथ तक जो है इस बाइक का पोल्यूशन चेक कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको विद इन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ ओवर होने से पहले ना आपको जो है पोल्यूशन चेक कराना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेट है ना, इन केस आपको दिखाना पड़ता है किसी को, तो जो पिलियन सीट है उसके जस्ट नीचे जो है ना स्टिकर लगा हुआ है, जिसमें मेंशन है कि आपका जो पोल्यूशन है 3 मंथ तक वैलिड है। मतलब उन्होंने मुझे दिखाया था, मैंने रीड नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, मुझे सेल्स वालों ने, कि ये जो है पोल्यूशन आपका 3 मंथ तक वैलिड है। तो ठीक है यार, दैट्स इट। आई होप मैंने सब कुछ शेयर कर लिया आपसे, जो भी मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो भी चीज़ें होती है मैंने आपसे सब कुछ शेयर कर लिया है। एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।